पास का ही नहीं दिखता। एक बार की बात है, एक माली ने एक बगीचे में गुलाब के फूल लगाए। फूल देखकर वहां एक बुलबुल आने लगी जो उन्हें नोच लेती थी। माली ने बार बार उसे भगाया, वह बार बार आकर फूल नोचाती थी। अंत में माली ने एक जाल लगा दिया, बुलबुल उसमें फंस गई। उसे माली ने पिंजरे में बांधकर लटका दिया। बुलबुल अपनी कहानी कहने लगी। एक जंगल में 5 आदमी जा रहे थे कि एक तीतर चिल्ला उठा। इस पर वे मुसाफिर उस तीतर की बात की व्याख्या करने लगे। मुसाफिरों में से एक पहलवान था, बोला, तीतर कहता है दंड, कुश्ती और कसरत। दूसरा यात्री मुसलमान था, बोला, सुभान तेरी कुदरत। तीसरा मुसाफिर एक दुकानदार था, वह बोला, तीतर कहता है सौंठ, अजवाइन, अदरक। चौथा यात्री एक बैरागी साधु था, बोला, तीतर कहता है सीताराम और दशरथ। बुलबुल की कहानी माली को जंच गई। उसने समझा, बुलबुल कह रही है मैं तो अबोध हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं गुलाब को नहीं छोड़ूंगी, परंतु तुम तो इंसान हो, मेरी आजादी को क्यों रोकते हो। माली ने बुलबुल की कहानी और सीख सुनकर उसे पिंजरे से छोड़ दिया। बुलबुल उड़कर पेड़ पर जा बैठी और बोली, भगवान दयालु हैं, उसी प्रकार तू भी उदार है। जिस पेड़ की शाखा पर मैं बैठी हूँ उसे खोद, वहाँ अशर्फियों का घड़ा दबा है। जब माली ने वहां खोदा तो अशर्फियों का घड़ा निकला। माली उन्हें देखकर अचंभे से शोकाकुल हो उठा, बोला, अरे बुलबुल, तुमने निकट के जाल को तो देखा नहीं और भूमि के अंदर दबी वस्तु देख ली। बुलबुल बोली, अरे माली, इसमें अचंभे की बात क्या, जब मृत्यु आती है तब सामने पड़ी वस्तु भी नहीं दिखाई देती।